हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनास कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ पोली, यानी गुड़ की पोली जो मकर संक्रांति में खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, 1/3 कप चिंगदाना, आधा कटोरी सूखा नारियल, 1 कटोरी गुड़, 1/3 कप तिल, इलायची, नमक और घी। तो सबसे पहले परात में आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है और इसे मिक्स करके 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और धीरे धीरे पानी डालकर अच्छे से आटा गूंद कर लेना है। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से मीडियम सॉफ्ट डो बना कर लेना है। इसे एक 10 मिनट के लिए थोड़ा तेल लगा कर रखना है। अब गैस पर कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तिल लिया है, उसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे निकाल कर रखना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने सूखा नारियल ग्रेट करके लिया था, उसे भी मैं रोस्ट करके ले रही हूँ। उसे भी तिल के ऊपर डालना है। अब लास्ट में मैं 1/3 कप पीनट, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो अपने हिसाब से, उसे भी अच्छे से रोस्ट करना है थोड़ा ब्राउन होने तक, और उसे ठंडा होने के लिए रखना है। यहाँ 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है, उसे भी गर्म करके लेना है। तो उस पर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप घी डालकर उसे थोड़ा सा गर्म करना है। रोस्ट होने के बाद इसे भी मिक्सचर के ऊपर डालना है। अब मिक्सी पॉट में मूंगफली के छिलके निकाल कर लिए हैं, उसे 5 से 10 सेकेंड तक ग्राइंड करके लेना है। थोड़ा दरदरा ही रखना है। इसे साइड में रखकर मिक्सी पॉट में रोस्ट किए हुए तिल, खोपरा और बेसन डालकर इसे भी 10 सेकेंड के लिए ग्राइंड करना है। मिक्सर में इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करना है, चलाना बंद करना, चलाना बंद करना। थोड़ा दरदरा ग्राइंड हो चुका है, इसमें जो पहले पीनट ग्राइंड किया था उसे डालना है और उसके ऊपर गुड़ डालना है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालनी है, 1/4 टीस्पून नमक डालना है और इसे ग्राइंड करना है। मिश्रण भरा हुआ है इसलिए ग्राइंड नहीं हो रहा है, तो मैंने ऊपर का गुड़ थोड़ा साइड में रखकर नीचे ग्राइंड किया हुआ तिल और शेंगदाना साइड में रखा है और गुड़ डालकर ग्राइंड करके ले रही हूँ। याद रहे इसे दरदरा ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनानी है। इस तरह से सारा मिश्रण अभी तैयार है। खोबरा, गुड़, सेंगदाना, बेसन सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच में घी डाल रही हूँ और इसे अपने हाथ से अच्छे तरह से मिक्स करके लेना है। मिश्रण अच्छे से बाइंड हो रहा है इसका मतलब, और गोला भी हो रहा है इसका मतलब मिश्रण अच्छे से बन चुका है। अब स्टफिंग तैयार है। 10 मिनट के लिए मैंने साइड में आटा रखा था, वो भी अच्छे से सॉफ्ट बन गया है। तो एक लोई लेनी है, अपने हिसाब से लेनी है। अगर बड़ी गुड़ पोड़ी बनानी है तो ज़्यादा लेना है, तो मैंने मीडियम बनाई है। लोई लेकर इस तरह से टैप करना है, थोड़ा बेलन से, थोड़ा हाथ से, इस तरह से पारी बना कर लेनी है और उसमें जितना बैठता है उतना स्टफिंग मिश्रण डालना है और अच्छे से स्टफ करना है हाथों से। ये देखिए अच्छे से स्टफ करना है ताकि मिश्रण बाहर ना आ सके।
थोड़ा सूखा आटा लेकर उस पर ये लोई, स्टफिंग वाली लोई रखनी है और बेलन की मदद से इसे सॉफ्टली बेलना है। जितना हम पराठा या थेपला बनाते हैं उसी हिसाब से मैंने छोटा सा ही बेला है। आप चाहे तो चपाती की तरह बड़ी पोली भी बना कर ले सकते हो। तो इस तरह से सॉफ्ट हाथों से बेलन को घुमाना है और इस तरह से ये गुड़ पोड़ी बनकर तैयार है। मैंने पहले से तवा गर्म करने के लिए रखा था, इसमें थोड़ा तेल डालना है और उस पर गुड़ पोली डालकर सेक कर लेनी है। तवे पर अच्छे से गुड़ पोली सेक रही हूँ, उस पर थोड़ा घी डालना है और दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट करके लेना है। इस तरह से गुड़ पोली बनकर तैयार है। इसी तरह से सारी गुड़ पोली मैं बनाकर ले रही हूँ। बस एक टिप है, इसे धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से आराम से बेलना है और घी और तेल लगाकर इसे दोनों बाजू से सेकना है। गुड़ पोली में तेंगदाना, तिल और खोबरा और गुड़ होते हैं। ये विंटर में खाने जाने वाले पदार्थ है और इसे कंज्यूम करने के लिए गुड़ पोली और डिंग के लड्डू और इस तरह से अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से तैयार है स्वादिष्ट और क्रिस्पी गुड़ पोड़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो एक कप में कम से कम 9 से 10 गुड़ पोड़ी आराम से बनती है और इसे घी के साथ एंजॉय कीजिए या कोई भी सब्जी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो तैयार है गुड़ पोड़ी। तो इस तरह से तैयार है गुड़ पोड़ी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।